आरबी रमणी साहब वो लोग साथ में हैं, और प्रधानमंत्री ने प्रवेश करने के बाद एक जो कांची मठ से चुकी है संचालित होता है सेवा भाव है इस शंकराई फाउंडेशन का, तो कांची के जो शंकराचार्य हैं वो भी इस शंकराई हॉस्पिटल में विद्यमान हैं, प्रधानमंत्री उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं। और इसके पहले प्रधानमंत्री ने प्रवेश करने के बाद जो शंकराचार्य पहले थे उनकी मूर्ति पे पूजन अर्चन किया, साथ ही एक एग्जीबिशन लगाया गया है उसमें भी प्रधानमंत्री ने देखा है उस एग्जीबिशन को। यहाँ के जो एमडी हैं और क्योंकि मुख्यमंत्री और राज्यपाल साथ चल रहे हैं, एमडी ने इस शंकर आई हॉस्पिटल जो क्या क्या सुविधाएं दे सकती हैं लोगों को, और इनका जो टास्क है, इनका जो उद्देश्य है कि पूर्वांचल के आसपास के जो जिले हैं उसके पास के जो प्रदेश हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बिहार और इसके साथ ही झारखंड तक का इन लोगों ने एक खाका तैयार किया है, और हर वर्ष लगभग 30,000 गरीब जो हैं जो फी नहीं पे करते हैं कर सकते हैं उनका ये ऑपरेशन करेंगे आंखों का, और उसके अलावा जो मीडियम क्लास है या जो अफोर्ड कर सकते हैं जो उनसे भी ये उस तरह की मदद लेंगे कि इस जो सेवा भाव ये यहाँ पर चला रहे हैं उसको गति दे सके और जो गरीब लोग हैं उनको अच्छा इलाज दे सके आंखों का। इसके अलावा जो खास बात है वो यह है कि वर्ल्ड क्लास जो सुविधाएं होती हैं नेत्र चिकित्सा के लिए, नेत्र के रोगों के उपचार के लिए, वो सारी सुविधाएं इस शंकर आई हॉस्पिटल में मौजूद हैं। क्योंकि अभी इसके पहले यहाँ के जो एमडी हैं आरबी रमणी साहब, डॉक्टर आरबी रमणी, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने डीडी न्यूज से खास बताया कि किस तरह की सुविधाएं वो पूर्वांचल में देना चाहते हैं, और ये 14वां हॉस्पिटल है भारत में। एक इसके पहले उत्तर प्रदेश में कानपुर में शंकर आई हॉस्पिटल है, और ये लोग प्रधानमंत्री को यहाँ पर बुलाकर बहुत ही गरिमामयी गर्व का अनुभव कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो वाराणसी के सांसद भी हैं वो इसका लोकार्पण कर रहे हैं। तो लोक सेवा को लेकर चलने वाला यह शंकर आई जो फाउंडेशन है, क्योंकि नेत्र के उपचार के लिए, नेत्र के रोगों के उपचार के लिए बहुत जाना माना नाम है। तो अश्विनी मैं आपको बताऊं कि चूंकि आप भी पूर्वांचल से हैं तो पूर्वांचल की जो रीच है, इन लोगों ने लगभग 20 जिलों को बनाया है जिसमें इनके लोग जाएंगे और जो गरीब लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, और हर वर्ष 30,000 लोगों का आंखों का ये लोग ऑपरेशन करेंगे जो काफी महंगा होता है उसको भी फ्री में। अश्विनी निश्चित तौर से हरकेश, हमने तो वो दौर भी देखा है जब छोटे छोटे ये मोतियाबिंद के कैंप लगाए जाते थे, अनस्किल्ड लोग कहीं ना कहीं बेबस और ग्रामीण लोगों को ठगते थे, आंखों की रोशनी चली जाया करती थी, ये उस तरीके के क्षेत्र हुआ करते थे। मोतियाबिंद एक बड़ी समस्या ज़्यादा उम्र वाले लोगों के साथ साथ तो ही है, नौजवानों के लिए भी अनेक आँख संबंधी बीमारियाँ हैं। तो निश्चित तौर से अगर देखें तो इस बेहद राष्ट्रीय स्तर की नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं तो यहाँ होंगी ही, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि निःशुल्क होगा और गरीब के लिए लक्षित